आज रोज की टिपिकल मीट या वेजिटेबल्स वाले इंग्रेडिएंट्स से कुछ हटकर करते हैं। लेट्स मेक चीजी कबाब। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर, फिर इसमें हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट चीज, इसे भी हमने ग्रेट किया हुआ है, एंड देन इसमें पड़ेगा हंग कर्ड। इस हंग कर्ड को हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सारे मिक्सचर्स को हम मिला लेंगे। वेल, हम चीजी कबाब बना रहे हैं, इसलिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह के लिए हैं जो बच्चों के मुंह में जाते ही मेल्ट कर जाएगा। Really yummy and creamy and cheesy. अब इसमें थोड़ा सा हेल्थ का डोज डाल दिया जाए। बच्चे जो यूजुअली ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाने का ये भी एक अच्छा तरीका है। तो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है थोड़ा पिस्ता, काजू और बादाम, और उसे मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे बारीकी से कटा हुआ धनिया पत्ता, मैदा, और एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी सीजनिंग। चलिए डालते हैं थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची और देगी मिर्च यूज कीजिए जिससे कलर आए और स्पाइस ना आए, फिर थोड़ा गरम मसाला एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बस आप इसे अच्छे तरह से आप मिक्स कर लीजिए। वेल, अब तो हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस सारे मिक्सचर को आप पूरी तरह से गूंद लीजिए। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। हम टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं। ये आप राउंड शेप में हम टिक्की बना लेंगे। सो बेटर बी सेफ एंड मेक लॉट्स ऑफ कबाब्स। चलिए इस तरह हम बाकी के भी टिक्कियों को तैयार कर लेते हैं। चलिए फिलहाल पहले इन्हें तैयार कर लेते हैं, फिर बाकी के कबाब्स भी बना लेंगे। अब हम लेंगे एक प्लेट और उसमें हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। उसमें हम डाल देंगे ये ब्रेड क्रम्स, क्योंकि बेसिकली हम इन चीजी कबाब्स को इन ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करेंगे ताकि उसे एक क्रिस्पी टेक्सचर मिले। लवली, बहुत ही मजेदार कॉम्बिनेशन है ये, और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत मजा आएगा इसे खाने में। चलिए ये कोट हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? अब तेल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाए इसमें हम शैलो फ्राई कर लेंगे हमारे यम्मी चीजी कबाब्स। ओके, अब इसे धीरे से आप तेल में डाल दीजिए। ऑलराइट, अब हम लेंगे एक प्लेट और जो ये कबाब्स हमने बनाए हैं उन्हें हम इसमें निकाल लेंगे। बस इसे थोड़ी देर के लिए तेल में डालिए एंड इट्स रेडी। और लवली कलर एंड द टेस्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे, राइट? हम लेंगे एक सर्विंग डिश और ये जो कबाब्स हमने बनाए हैं अब हम लेंगे एक छोटा सा स्पून, थोड़ा सा केचप और इसे इसके ऊपर एक एक ड्रॉप लगा देंगे। सो हियर यू गो, यम्मी डम्मी डम्मी चीजी कबाब्स तैयार हैं।